वो जो आप थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग आज बात करने वाले हैं, पेंडुलम की बात करने वाले हैं, हम लोग ड्यूलॉन्ग पेटिस मेथड की बात करने वाले हैं और अपन बायोमेटेलिक स्ट्रिप की बात करने वाले हैं। तीन चीज़ों की अपन बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन में, कैसे कैसे थर्मल एक्सपेंशन इन तीनों चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है, तो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पेंडुलम की। अपने को पता है कि जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड होता है 2π√ ऑफ L/g। ये होता है किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√L/g। L होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लो मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि अगर मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया पेंडुलम का, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो लेंथ है L उसमें क्या होगा? इलोंगेशन होगा। और लेंथ में इलोंगेशन होने की वजह से जो पेंडुलम का टाइम पीरियड था उसमें चेंज हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो सवाल इसी तरीके का वो पूछता है। मान लो मैंने बोला कि मान लो डेल्टा टी टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बताओ एक साल में पेंडुलम का एरर, टाइम पीरियड में एरर कितना आ जाएगा? कंप्लीट वन ईयर में पेंडुलम के टाइम पीरियड में कितना एरर आ जाएगा? इस तरह का सवाल पूछता है और आता भी इस तरह का सवाल। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं। कैसे करें इस तरह के सवाल को अप्रोच? तो अभी मैंने बोला कि अभी इनिशियल टाइम पीरियड में टी है, टेम्परेचर जब मैंने बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड में मान लेता हूँ कि टाइम पीरियड हो गया T1। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद टाइम पीरियड मान लेते हैं T1, ठीक है। T1 क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा 2π√L फाइनल, फाइनल लेंथ अपॉन जी। अब फाइनल लेंथ कितना हो गया? T1 बराबर 2π√ ऑफ फाइनल लेंथ मेरा हो जाएगा L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, अपॉन जी। ये आ गया। अब मैंने तुम्हें बोला कि ठीक है मुझे बताओ कि टाइम पीरियड में कितना का चेंज आया। ऑब्वियस सी बात है, टाइम पीरियड बढ़ गया, पहले टाइम पीरियड से बढ़ चुका है दूसरा टाइम पीरियड। तो मैंने तुम्हें बोला कि बताओ टाइम पीरियड बढ़ चुका है तो कितना टाइम पीरियड में चेंज आया, मतलब मैं डेल्टा टी की बात कर रहा हूँ। डेल्टा टी जो आया टाइम पीरियड में जो चेंज आया, दैट इज इक्वल्स टू T1 - T। T1 - T में एक काम करो, तुम 2π√L/g को तो बाहर रखो और अंदर में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2 को साथ में लो, मतलब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, दिख रहा है ना? रूट वाले में L/g को हमने बाहर कर दिया और ये टर्म को रूट में इस साइड कर दिया। माइनस टी, टी कितना है? टी है 2π√L/g। ये तो डेल्टा टी आया। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है चेंज इन टाइम पीरियड। अब मैंने तुम्हें बोला कि डेल्टा टी जो आया है एरर टाइम पीरियड में वो कितने सेकेंड में आया, तो वो टी सेकेंड में आया। टी सेकेंड में डेल्टा टी का एरर आया टेम्परेचर बढ़ाने पे, टी सेकेंड में, टी टाइम पीरियड में डेल्टा टी का एरर आया। समझ में आ रही बात? टेम्परेचर जैसे तुमने बढ़ाया, टी टाइम पीरियड में, इनिशियल टाइम पीरियड में डेल्टा टी का चेंजेस आया, तो एक सेकेंड में कितने का एरर आया? तो पर सेकेंड एरर, पर सेकेंड जो एरर आ रहा है डेल्टा टी बाई टी, दैट इज इक्वल्स टू 2π√L/g। टी के बराबर है 2π√L/g, टी के बराबर है। टी टी उधर से तो गया, नीचे का टी और ऊपर का दोनों टी गया, तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2 माइनस 1। अगर मैं बोलूं कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो डेल्टा टी इंटू अल्फा ही बहुत छोटा ही होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा नहीं। 1 से बहुत छोटी वैल्यू, पावर है 1/2, मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तो लगा ही सकता हूँ। 1/2 को मैंने आगे कूदा दिया, जैसे मैंने आगे कूदाया यह आ गया 1/2 अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि 1 और 1 यहां से कट गया, यानी कि डेल्टा टी बाई टी एरर इन टाइम पीरियड पर सेकेंड इज गिवन बाय 1/2 अल्फा डेल्टा टी। एक बात का ध्यान रखना, ये तभी अप्लाई करोगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जब तुम्हारा अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी। अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी नहीं है तो फिर तो बिल्कुल तुम्हें कन्वेंशन से करना पड़ेगा, फाइनल लेंथ निकालना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर मेथड करना पड़ेगा, ये तुम अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर नहीं लगा सकते अगर अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है तो। जनरली अल्फा की वैल्यू तो 10^-3 के आसपास ही होती है, तो छोटी होती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये हो गया, ये क्या हो गया? पर सेकेंड टाइम पीरियड में एरर, मतलब एक सेकेंड में इतना एरर आ जाएगा, ठीक है। पहले मान लो जैसे मैं बोलूं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड था, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड था, हमने टेम्परेचर बढ़ाया और उसका टाइम पीरियड हो गया 2 से बढ़कर हो गया 3 सेकेंड। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड 3 सेकेंड हो गया है, पेंडुलम का टाइम पीरियड 3 सेकेंड हो गया है,
तो कितने सेकंड का एरर आया? तो एक सेकंड का एरर आया, पहले दो था अब तीन हो गया, तो एक सेकंड का एरर आया। एक सेकंड का एरर कितने सेकंड में आया? तो एक सेकंड का एरर आया दो सेकंड में, क्योंकि पहले दो सेकंड था टाइम पीरियड। तो एक सेकंड का पेंडुलम में के टाइम पीरियड में जो एरर आया वो दो सेकंड में आया, ठीक है। तो पर सेकंड कितने का एरर आया? तो 1/2 सेकंड का, यानी कि 0.5 सेकंड का एरर आ रहा है। पहले 1 सेकंड का था, अब वो 1.5 सेकंड, यानी पर सेकंड जो एरर कैलकुलेट किया हमने वो 0.5 हो गया। लाइक दैट एंड ओनली, पर सेकंड कितने का एरर आ रहा है? तो 1/2 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ टेम्परेचर है, ये कंफ्यूज मत करना, ये कहीं तुम कंफ्यूज ना कर जाओ कि डेल्टा टी यहाँ पर क्या है। तो एक काम करते हैं, टेम्परेचर को अपन स्मॉल टी से नोट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि वो कैसे हो गया। तो टेम्परेचर को अपन स्मॉल टी से नोट कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल टी। ये अपना टेम्परेचर हो गया और ये हो गया चेंज एरर इन टाइम पीरियड पर सेकंड। अब तो ये बात आ गई, सवाल क्या पूछता है? सवाल तुमसे ऐसे ही पूछेगा, अल्फा की वैल्यू दे देगा, ये पूछ देगा, पर सेकंड एरर पूछ देगा, तो ठीक है निकाल लेंगे, परसेंटेज एरर पूछ देगा, इनटू 100 कर देंगे, वो तो खैर बात की बात है। वो ये पूछेगा कि वन ईयर में पेंडुलम क्लॉक कितना स्लो हो जाएगा या कितना फास्ट हो जाएगा वन ईयर में। तो पर सेकेंड इतने का पीछे हो रहा है वो पेंडुलम, तो अब इतना तो एक साल में कितना हो जाएगा, तो वन ईयर में कितना सेकेंड होता है? तो एरर इन पर ईयर, एरर इन वन ईयर, वन ईयर, एक साल में कितने का एरर आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी इंटू वन ईयर का सेकेंड। ये पर सेकेंड का एरर है, वन ईयर में कितना होता है? वन ईयर यानी कि 365 इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ये टोटल एरर आ जाएगा पूरे कंप्लीटली वन एक साल में, तो एक साल में इतना एरर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा अपना पूरा फंडा हो जाता है पेंडुलम का। ऐसे ही अपन थर्मल एक्सपेंशन में पेंडुलम की बात करते हैं, डीलिंग ऐसे ही करते हैं। सवाल भी पूछा हुआ एक दो बार, तो इस तरह का सवाल तुम्हें दिख जाएगा, अपन बात कर लेंगे। अपन आगे बात करते हैं ड्यूलॉन्ग पेटिट्स मेथड, ठीक है। ड्यूलॉन्ग पेटिट्स मेथड क्या होता है? साइंटिस्ट का नाम है, देख लेना, स्पेलिंग कोई खास नहीं है। वो क्या बोला, एक्चुअली किसी भी लिक्विड का अगर मुझे एक्सपेंशन गामा निकालना है, टू कैलकुलेट गामा, गा बोले तो कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। किसी भी लिक्विड का अगर मुझे गामा निकालना है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। कैसे ये मेथड काम करता है मैं समझाता हूँ। एक्चुअली ये मेथड देखा जाए तो थोड़ा फ्लूइड की तरह ही काम करता है। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि भाई यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है, यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर क्या लिख सकते हो? यहाँ पे प्रेशर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि P1 प्लस रो जी, ये हाइट, कितनी हाइट है लिक्विड की ऊपर में? ऊपर में लिक्विड की हाइट है H1 - H2। अच्छा सॉरी, एक काम करो, ऐसे मत लिखो इस चीज को, ऐसे मत लिखो। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि एक्चुअली हमने इस पूरे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैं समझाता हूँ, इस पूरे ट्यूब को हमने दो हिस्सों में काट दिया। एक हिस्से को हमने टेम्परेचर T1 मेंटेन किया है, दूसरे हिस्से का टेम्परेचर हमने T2 मेंटेन किया है। प्रॉब्लम यह है कि मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? वो इसे नहीं लगा सकता क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर डेंसिटी वेरी करता है। टेम्परेचर चेंज होने पर क्या वेरी करता है? तो टेम्परेचर चेंज होने पर चीजों की डेंसिटी वेरी करती है, ये मैं बता चुका हूं तुम्हें। तो इसीलिए अपन यहां पर वो नहीं लगा सकते। यहां पर डेंसिटी होगी लिक्विड की रो 1 और यहां डेंसिटी होगी रो 2, अलग अलग डेंसिटी होगी। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि एक बात बताओ, इस पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे दोनों तरफ से प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस बात है, बॉटम पॉइंट पे प्रेशर दोनों तरफ से क्या होगा? सेम होगा। अब बॉटम पॉइंट पे प्रेशर बराबर करता हूं, इस पॉइंट पे बराबर नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर डेंसिटी चेंजेस हो रहा है, इसीलिए अपन ने बॉटम पॉइंट पकड़ा क्योंकि लेफ्ट और राइट को तो कर ही सकते हैं बैलेंस। तो लेफ्ट की अगर बात की जाए तो लेफ्ट में क्या है, प्रेशर तो एक है P1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या P1 की जगह P0 बोल दो इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस ये हाइट ρgH1, ये प्रेशर आ गया इस पॉइंट पे इस लिक्विड की वजह से। इसकी वजह से P0 प्लस ρ1 और ये ρ2gH2। ये पहला कंडीशन। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर प्रेशर दोनों जगह, दोनों की तरफ से यहां पर प्रेशर सेम होगा। यहां पर इस पूरे ट्यूब का टेम्परेचर T1 है, इस पूरे ट्यूब का टेम्परेचर क्या है? T2 है। टेम्परेचर हमने वेरी कर लिया है, तो पहले दोनों एक टेम्परेचर पे थे। अब ऐसा सोचो कि इसका टेम्परेचर हमने डेल्टा T1 कर दिया या इसका डेल्टा T2 कर दिया, मतलब इंक्रीमेंट टेम्परेचर का T1 T2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना है? टेम्परेचर में इंक्रीमेंट वहां पर T1 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर T2 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर में चेंज करने की वजह से हाइट में चेंजेस आ गया क्योंकि डेंसिटी बदल गई। डेंसिटी बदल गया तो अब
दोनों सेम लेवल पे नहीं रहेंगे, पहले सेम लेवल पे इसलिए थे क्योंकि दोनों तरफ डेंसिटी क्या था, सेम था। अब P0 कट गया, G और G कट गया, यानी कि रो वन एच वन बराबर रो टू एच टू, सब बढ़िया अपने को, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, एच वन एच टू तो अपने को पता है, अपने को तो एच वन एच टू तो पता है क्योंकि अपन देख रहे हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं। रो होता है डेंसिटी, डेंसिटी रो क्या होता है, डेंसिटी। अब डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या होता है हमें पता है। इनिशियल डेंसिटी अगर रो नॉट था तो रो वन जो होगा, मतलब डेल्टा टी यहां पर टी वन है, पहले वाले ट्यूब के लिए डेल्टा टी मेरा टी वन है, वन प्लस गामा टी वन, डेल्टा टी मेरा टी वन है, इंटू एच वन बराबर रो नॉट वन प्लस गामा टी टू, सेकेंड वाले केस पे डेल्टा टी टी टू है, इंटू एच टू, सब बढ़िया। रो नॉट हमने उड़ा दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एच वन प्लस रो एच वन टी टू बराबर एच टू प्लस गामा एच टू टी वन, ठीक है। हमें गामा निकालना है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, गामा ले लो कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच वन टी टू माइनस एच टू टी वन, और ये आ जाएगा एच टू माइनस एच वन। तो गामा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एच टू माइनस एच वन डिवाइडेड बाई एच वन टी टू माइनस एच टू टी वन, ये अपना गामा आ गया इस पर्टिकुलर लिक्विड का कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या किया हमने, हमें पता था कि पहले जो ये ट्यूब होगा, पहले दोनों साइड डेंसिटी सेम है, बिल्कुल एक लेवल पे होगा, कोई लेवल में चेंजेस नहीं होगा। हमने एक तरफ का टेम्परेचर डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टी वन है, दूसरी तरफ का टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टी मेरा टी टू है, ठीक है। हमने टेम्परेचर चेंजेस किया और फिर दोनों के लेवल में क्या आ गया, दोनों के लेवल में थोड़ा चेंजेस आ गया, दोनों के लेवल में आ गया थोड़ा चेंजेस, इसका लेवल कुछ, इसका लेवल कुछ, अपने को नहीं पता लेवल में क्या है, तो थोड़ा चेंजेस आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि इस लेवल चेंज को तो अपन मेजर कर ही सकते हैं, तो भाई इस लेवल चेंज को हमने मेजर कर लिया और मैं चाहता हूँ कि इसका गामा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशियंट निकालू गामा। तो मैंने क्या बोला यार, इस बॉटम पॉइंट पे दोनों का प्रेशर सेम होगा, भाई बॉटम पॉइंट प्रेशर सेम होगा, सेम लेवल पे बॉटम पॉइंट प्रेशर सेम होगा, बॉटम पॉइंट मैंने इस पार्ट की वजह से प्रेशर लिखा, यहाँ पे इस पार्ट की वजह से प्रेशर लिखा, दोनों बराबर कर दिया, काट पीट किया और फिर गामा की वैल्यू निकाली। इसी को बोलते हैं ड्यूलॉन्ग पेटिट मेथड, पता रहे तो अच्छा है, कभी अगर पूछ गया तो सवाल कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप, किसकी बात करते हैं, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। क्या होता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप, मैं समझाता हूं। सपोज करो मेरे पास दो रॉड है, ठीक है, दोनों का लेंथ जो है वो एल नॉट है। हमने क्या किया, इस कॉर्नर वाले पोर्शन को दोनों को वेल्डिंग कर दिया, मतलब ये कॉर्नर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, मैंने कुछ ऐसा कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, कुछ भी हो जाए कि ये कॉर्नर इससे अलग नहीं हो सकता है, मैंने ये किया है। और मैंने क्या किया, इसका कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा वन है, इसका कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा टू है, और एक कंडीशन है कि अल्फा वन बड़ी है अल्फा टू से, ये कंडीशन दे दिया। अभी पूरे सिस्टम का टेम्परेचर टी वन बोल, टी वन था, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया टी टू, और यह भी कंडीशन दिया कि टी टू बड़ा है टी वन से, ऐसा टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या होगा सोचो। अगर तुम एक बात बोलो, अगर ये पार्ट एक दूसरे पे स्लाइड कर पाता या कुछ ऐसा होता कि ये दूसरा एक दूसरे पे पार्ट के स्लाइड कर जाता, तो स्लाइड कर जाता तो बहुत सिंपली क्या होता कि ये कुछ ऐसे बड़ा हो जाता, क्योंकि इसका अल्फा वन बड़ा है और ये छोटा रहता तो ये ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता, तो ये कुछ ऐसा पिक्चर बन जाता। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने दोनों इंड को कर दिया वेल्डिंग, दोनों क्या कर दिया वेल्डिंग, अब ये दोनों एक दूसरे पे स्लिप कर नहीं सकते, ऊपर वाले को ज्यादा लेंथ बढ़ना है, नीचे वाले को कम लेंथ बढ़ना है, ऊपर वाले को ज्यादा लेंथ बढ़ना है, नीचे वाले को कम लेंथ बढ़ना है, और इन दोनों कॉर्नर को साथ रहना है, तो क्या होगा, तो वो कुछ ऐसा शेप में आ जाएगा, वो कुछ ऐसे शेप में आ जाएगा। इसी शेप का अपने को पता करना है रेडियस, और दोनों रॉड की थिकनेस को मान लो डी, दोनों रॉड का थिकनेस भी 70, हमें ये रेडियस आर पता करना है। ये ऊपर वाला रॉड एल वन है और ये एल टू है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये आर्क शेप में आ जाएगा। कैसे पता करें, देखो बहुत सिंपल है, कोई खास नहीं। अगर मान लो मैंने इसको थीटा वे एज्यूम किया,
तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये रॉड का जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्से की अगर मैं बात करूं तो इस हिस्से की लंबाई कितनी है? इस हिस्से की लंबाई है आर बी से पोर्शन आर माइनस डी इंटू थीटा, इस हिस्से की लंबाई है। और ये हिस्सा जो है वो नीचे वाले रॉड का फाइनल लेंथ होगा टेम्परेचर टी टू करने के बाद। लेकिन नीचे वाले हिस्से को मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं एल नॉट वन प्लस अल्फा, नीचे वाला क्या है अल्फा टू, टी टू माइनस टी वन, ठीक है। सिमिलरली जो ऊपर वाला ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से की भी अगर बात की जाए, इस हिस्से की भी अगर बात की जाए तो ये भी हिस्सा का फाइनल लेंथ कितना होगा बताओ? ऊपर वाले हिस्से की जो फाइनल लेंथ होगी वो होगी आर प्लस डी इंटू थीटा, दैट इज इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस अल्फा वन टी टू माइनस टी वन। ये आ गया, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, दिख रहा है तुम्हें डेल्टा टी, एक नीचे वाला हिस्सा पकड़ा, एक का ऊपर वाला हिस्सा पकड़ा, एक का नीचे वाला हिस्सा पकड़ा, एक का ऊपर वाला हिस्सा पकड़ा, r माइनस डी इंटू थीटा बराबर ये, r प्लस डी इंटू थीटा बराबर ये, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब यहां से मेरा अननोन क्या है, तो मेरा अननोन r है और थीटा है, बाकी सब चीज अपने को पता है, तो अपने को कुछ कुछ करना है और r और थीटा को गायब करना है। जब तुम वो कर दोगे तो रेडियस की वैल्यू जो आ जाएगी वो मैं डायरेक्टली लिखवा देता हूं, वो आ जाएगा 2d अपॉन गामा, सॉरी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी आ गया टेम्परेचर चेंज, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 ये आ गया, 2d आ गया इनकी बीच की दूरी, ये अपना रेडियस आ जाएगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व क्या करना है तुम तो वैसे ही याद कर लो इस चीज को, ये ऐसे आ गया। अब सवाल क्या है इसमें, क्या और क्या जान सकते हो, ये जान सकते हो कि अगर नीचे वाले का अल्फा बड़ा होता ऊपर वाले का अल्फा छोटा होता तो ये ऐसे शेप में जाता, ऊपर वाले का अल्फा बड़ा था इसलिए ऐसे शेप में गया, नीचे अलग बड़ा होगा तो ये इस शेप में जाएगा, ये जान सकते हो। रेडियस की वैल्यू याद रखो, ये आईटी में एक बार सवाल आ चुका है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है कई साल पहले, 19 समथिंग में ही आ चुका है, 19 के टाइम में इस पे सब्जेक्टिव सवाल आया था कि उसने रेडियस की वैल्यू पूछी थी निकालने के लिए, ऐसे सवाल था, उस टाइम से ही पढ़ाना स्टार्ट हो गया था जब ये आईटी में सवाल पूछा, तो उससे पहले कोई नहीं पढ़ाता था, उसके बाद ये चीज पढ़ाना बायोमेटेरियल की स्ट्रिप स्टार्ट हो गया पढ़ाना, ठीक है। तो समझ में आ गया वो कैसे काम करते हैं ये बायोमेटेरियल की स्ट्रिप, रेडियस की वैल्यू याद रखना, ये लेंथ क्यों बड़ा समझ में आ गया क्योंकि ये वेल्डिंग कर दिया हमने तो इसलिए लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, ये सारी बातें हो गई। ये था बायोमेटेरियल की स्ट्रिप के ऊपर बात, जो ये बचा हुआ था थर्मल एक्सपेंसर का पोर्शन, अपन आगे और भी कुछ नहीं बात करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।